ओम शांति। अभी एक सेकेंड बाबा को याद करके, परमात्मा शिव अव्यक्त बाप दादा, आज की अव्यक्त वाणी, आज दिनांक 23/8/2022 और अव्यक्त वाणी है 24 फरवरी 2017। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन, माला आपका विशेष यादगार है। इस माला को पहनकर सदा मालाधारी होकर रहना, यही चमकती हुई माला आज की विशेष गिफ्ट है। शिव जयंती के निमित्त पूरे हॉल को बहुत सुंदर मालाओं से, झंडियों से सजाया गया है। बाप दादा बच्चों की विशाल सभा को देख करके सभी बच्चों के गले में बाहों की चमकती हुई मालाएं पहना रहे हैं। आज शिव जयंती की मुबारक मुबारक मुबारक। सभी दिलों में कितनी खुशी है, सबके दिल में बाबा आ गया है। सभी के दिलों में अभी कौन? बाबा, बाबा ही बाबा। देखो जहां देखो, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। तो आज सभी बहुत हर्षित हो रहे हैं, इसलिए बाबा स्वयं बच्चों को माला पहनाने के लिए आए हैं। बाबा गले में माला पहनाए तो कैसे हो जाते हैं? तो अभी एक-एक के गले में बाबा ने माला पहनाई है और सभी मालाधारी कितने शोभनीक लग रहे हैं। सब एक दो की माला को देख करके खुश हो रहे हैं और सदा हर एक को बाप दादा की तरफ से माला है ही। माला का श्रृंगार हमारा बहुत गाया हुआ है, इसलिए आज भी वही यादगार जो है वह याद आया। और सब माला के दाने पहने हुए कितने चमक रहे हैं। वाह, कमाल है जो सभी ने जहां तहां माला डाल दिया है। सारा हॉल मालाओं से सज रहा है। तो मालाओं की यादगार किसकी है? बाप और बच्चों की। कितना भी कोई कहे, बाबा की याद बहुत बहुत अच्छी है। बाबा की याद तो है ही, करेंगे बिना बाबा के आप क्या है ही यादगार? तो पहले नंबर का यादगार तो भाई और बहनों का है, जो सचमुच मेहनत करके अपने को भी सजाया है और इस हॉल को भी सजाया है। चारों ओर जैसे खुशी का मेला लग रहा है, तो कितना अच्छा फंक्शन लग रहा है। जैसे अभी अभी बाबा ने मालाओं से सजाकर आपको तैयार करके बिठाया है, क्योंकि बाबा के साथ बच्चे भी हैं। बाबा के साथ सभी भाइयों को बहनों को थोड़ा बहुत तो सजना पड़ेगा। आपकी मालाएं दूर से ही सज रही हैं और बाबा भी देख देख कर, चारों ओर की मालाएं देख कर बहुत खुश है कि वह आज बच्चे माला का मनका पहनकर कितने सज गए हैं। तो आज की सभा की सजावट देख करके बाबा खुश हो रहे हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, एक दो की सजावट को देख करके ही खुश हो गए हैं और बाबा को कितनी खुशी हो रही है। एक-एक बच्चे को देख करके बाप भी ऐसे मुस्कुराता है जो आप देख रहे हो। ये रियल फूलों का हार तो है ही, लेकिन बाबा ने हर एक के गले में ओरिजिनल माला कौन सी पहनाई है? चमकती हुई मालाओं का हार देखो, सबके गले में पड़ा है। तो सब फील करें, हम सभी के गले में
बाबा ने हार डाला हुआ है, और कि फूलों से कितना भी चाहे श्रृंगार करें या नहीं करें, लेकिन सबके मुख से वाह वाह तो निकल रहा है ना, वही माला है। ये माला कितनी सज रही है, माला श्रृंगार है, तो इस देश में अभी सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है? बाबा का। सबके गले में देखो हार पड़ा है, तो बाबा ने खुद माला का हार पहना, बाबा ने खुद माला का हार पहनाया है। कॉमन हार तो पहनते ही हैं, कॉमन बात है, लेकिन इस माला का मतलब अच्छा है, बढ़िया है। ये माला यादगार माला है। सभी को देखो, सभी का कांध कितना चमक रहा है, और एक दो को देखो और कितने सारे गले सजे हुए हैं। सभी के गले देखकर हर एक कितने खुश हो रहे हैं, वाह वाह। तो बाबा भी गले में मालाएं देख करके खुश हो रहे हैं, वाह। सभी मालाधारी हैं, शक्ल देखो सबकी क्या है, बिल्कुल लाल लाल। तो ऐसे मालाओं से सजे हुए, चमकते हुए मालाधारी बच्चे यहाँ से आके देखें तो बिल्कुल चमकती हुई माला, सभी की माला बहुत चमक रही है। सबके गले में बाबा की तरफ से मिली हुई मालाएं भी पड़ी हुई हैं, सबके गले में हैं। और कितने गले सज रही हैं, कितना गले में सज रही हैं, हर एक के गले में बाबा चमक रहा है, और हर एक गला देखो कितना चमकता है, क्योंकि माला आपके यादगार में गाई हुई है। तो आज के दिन डायरेक्ट बाप ने आप सबको माला पहनाई है, देखो ये माला कितना चमकती है, माला की चमक ही अपनी न्यारी है। की माला को देख करके कितने खुश हो रहे हैं। तो आज हॉल मालाओं से बहुत सजा हुआ है, सभी अपनी माला देख रहे हैं ना। सारे हॉल में मालाएं देखो कितनी चमक रही हैं, न्यारे हो करके देखना। अभी सभी उठो तो माला जरूर देखना, ऐसा सजा हुआ। बस सब माला से हुए कितना सुंदर लगते हैं। ये हार पड़ा है तो माया भी हार खा लेती है, मालाओं को देख करके ही माया भाग जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। और आप विजयी बन जाते हैं, तो ये चमकदार माला अपनी देख रहे हो ना, पीछे वाले राइट वाले सभी कितने सज गए हैं, चाहे किसको मालाएं पड़ी हैं या नहीं, क्योंकि आज बाबा ने सभी को माला का परिचय दे करके बिठाया है। हर एक बच्चा माला से ऐसा सज गया है जैसे सदैव के लिए ये माला इन्होंने गले का मनका है। देख रहे हो अपनी मालाएं, हर एक के गले में देखो कितनी माला चमक रही है, जो आप खुद भी देख करके खुश हो रहे हैं। रश तो होता है जहां तहां, तो आज मालाओं की चमक बहुत है, हर एक अपनी माला को चमकती हुई देख रहे हैं। हर एक की मालाओं की चमक यहां से आकर देखो, एक एक के माला की महिमा है। इतना सजाने वाला कौन? मेरा बाबा। सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा। एक एक को मेरा मेरा, एक को आगे पीछे यहां वहां, सबको देखो मालाएं कितनी जल्दी से आ गईं और सबके गले में पड़ भी गईं। सभी के गले में मालाएं कितनी सुंदर लग रही हैं, हर एक एक देख रहा है, सब मालाधारी हैं। बाबा को ऐसे फंक्शन में
पतली सी माला भी बहुत अच्छी लगती है। अभी देखो, आप लोग आए तो कोई कोई ने माला पहनी हुई थी जो दिखाई दे रही है। माला को देख करके हर के मन में आ रहा है, एक माला में मेरा नाम तो है ना, है? सभी जो भी बैठे हैं सबका माला में नाम है, हाथ उठाओ। सभी को निश्चय है, अरे माला हमारे लिए ही बाबा ने बनाई है। तो सभी का चेहरा देखो कितना अच्छा सज रहा है। स्थूल तो चाहे कितना भी सजाओ, चमक सबकी माला ही है, और चमकती हुई माला का चित्र सभी का बहुत अच्छा है, अपने पास रखने लायक है। बाबा से यह गिफ्ट ले ले करके जाना। आज की गिफ्ट जो है वह माला है। हर एक अपने को ऐसा चमकता हुआ माला का मन का समझते हैं? जो समझते हैं मन का तो हमारे गले में पड़ गया है, हाथ उठाओ। वाह वाह, देखो वह हाथ माला से कितना सजा हुआ दिखते हैं। और खास आज के दिन के लिए बाबा माला बनाता है, आपको मिलेगी ना, फिर देखना कितनी चमक है। तो सारा हॉल भी देखो मालाओं से कितना अच्छा सुंदर माला माल हो गया है। अभी एक एक बच्चा देख रहा है, मेरे गले में तो है ना, जितना देखता है ना उतनी मालाएं बढ़ती जाती हैं। मालाएं पड़ी हुई सभा को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। वाह वाह मालाधारी वाह, यह यादगार तो आपका ही है ना। फूलों की पहनाओ मालाएं, चाहे चाहे कोई चीज की पहनाओ, लेकिन माला यादगार है। एक दो को देख करके कितना खुश होते हैं, वह फलाने ने भी माला पहनी है। तो मालाधारी बच्चों को देख करके सभी मुस्कुरा रहे हैं, और सेकेंड में सभी ने पहन लिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मालाओं को देख करके माला पहनाने वाला याद आता है। तो आज खास मालाधारी बच्चे हैं, जैसे माला यादगार में है ना, ऐसे ये माला जो है यादगार है। सभी कितने अच्छे लग रहे हैं, सभी के गले में मालाएं चमक रही हैं, सभी का गला देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाबा की मूर्ति में भी माला है, माला बहुत अच्छी यादगार है। सभी कहाँ बैठे हो? हॉल में, बाबा के गले में सब बैठे हैं। तो हम लोग ऐसे फील करें हम डायमंड हॉल में हैं, और हम सभी के गले में माला बाबा देख रहे हैं। माला देखी है ना, माला चमकती कितना है। लेकिन अगर घड़ी घड़ी आप नीचे ऊपर हुए तो फिर माला का शो क्या रहेगा? तो सभी अभी मालाधारी बन के अपने चित्र को देखो, सबका गला कितना सज गया है। ये सब मालाएं किसको पड़ेंगी? बाबा को। बाबा तो संगम पर माला पहनता नहीं, बाप बच्चों के साथ माला पहनता है ना। किसको माला नहीं भी हो ना, कोई मन का खो गया हो तो वह अपनी माला का मन का लेके जाना। तो आज सभी के गले में चमकती हुई मालाएं देख कितने खुश हो रहे हैं। वह एक दो की माला देख रहे हैं ना, तो सबके दिल से वाह वाह निकल रहा है। अच्छा, अभी तो देरी हो जाएगी, इसलिए सभी बच्चों को मालादारी बन के माला में दिखाया है। सेवा का टर्न ईस्टर्न तमिलनाडु का है, बंगाल बिहार उड़ीसा से 15, आसाम 1000 आए हैं।
26,000 आए हैं। सभी एक दो को देख करके सज गए हैं। वाह, देख देख कर बाप भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह बच्चे वाह, अभी भी सभी बैठ करके चित्र निकाल के जाना, भाग नहीं जाना। नेपाल 2,500 आए हैं। माला पहनने वाले हर एक देख रहे हैं कि मेरी माला कितनी चमक रही है और चमक देखो कितनी है। एक एक माला के मनके की चमक देखो कितनी है। तमिलनाडु 3,000 आए हैं। सबकी चमक अच्छी है, बनाई भी अच्छी है। सभी हाथ में देखो, चारों ओर ये चमकती हुई मालाएं कैसी अच्छी लग रही हैं। सभी जो भी हैं वे बैठ करके अपनी माला का शो दिखावे। अभी बैठो, श्रृंगार नहीं करो, जितना किया है उतना ही दिखाओ। डबल विदेशी 75 देशों से 1,000 आए हैं। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा डबल विदेशी आए हैं। कितनी अच्छी चमक है, चमक देखो सारे हॉल की। कमाल है, कितनी सुंदर हो गई है। सभी हार वाले आप अपनी निशानी अगर अपने पास रखने चाहो तो बाप दादा सभी के मालाओं की यादगार ऐसे करो तो यह जो दिल्ली ये हथेली है वह कितनी सज रही है, ऐसे चमक रही है जैसे अभी अभी स्वर्ग से आई है। आप देखो अभी अपने हार को थोड़ा ऐसे करके देखो, देखो औरों को ना देखो अपने को ही देखो तो कितने चमकते हैं। जो आप बैठे हो आप ही बदल जाते हो हार पहनने से। एक आप खुद मालिक हो चमकने वाले और दूसरा हार जो फूलों का भी मिला है वह भी बहुत चमक रहा। तीसरा ये हार बाहों का भी है, इसकी महिमा तो सबसे ज्यादा है। तो अभी तो सिर्फ देख लो, फिर कोई टाइम बाबा उठवा के देखेगा। अभी जो मालाएं हैं वे चमकती हुई हैं, तो और सब कुछ छिपा के सिर्फ मालाओं का हार सजा के आगे करो तो देखो सभा कैसी लगती है। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और 81वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की सबको बधाइयां दी। अभी आज सभी इकट्ठे हो किस लिए? आपका काम मुख्य क्या है? परिवर्तन करने का, तो परिवर्तन किया। अभी सभी एवरेडी रहो, करना है हो गया, नहीं करना है तो चक्कर लगा के आए। तो सभी देखो प्यार से देख रहे हैं ना, आराम से देखा ना। सारे साल के लिए शिव जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का दिन विशेष मनाने का दिन है, तो सभी ने अपने अंदर ये दीपक जलाया, झंडा भी लहराया, दीपक भी जगाया। सभी के चेहरे में चमक आ गई है, खुशी है ना, सभी की शक्लों में खुशी की झलक आ गई है। पीछे वाले क्या समझते हैं? सभी के दिल में दिलाराम है, बस दिलाराम और दिल वाले। जितनी चीजें चाहो उतनी आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक संगम निवासी सीख रहे हैं, जान नहीं गए हैं, सीख रहे हैं। लेकिन बाबा चाहता है कि एक बारी बाबा कहे ओम शांति तो ऐसे सभी हर्षित हो जैसे हमारा ये सूर्य और चंद्रमा कितना सज जाता है। आज के दिन की सभी को मुबारक, मुबारक हो, मुबारक हो।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रीमा सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। सो बाबा ने क्या कहा है आज की मुरली में? मालाओं के बारे में कहा है ना, सभी का गले में माला है, ऐसा अनुभव हुई। सो क्या है मतलब यहाँ का माला जी, बताइए। ओम शांति दीदी, पहले तो हम आपके ग्रुप में मतलब जूम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत खुश हैं। आप आती ही नहीं, आपकी आवाज इतनी योगिक लगती है, सॉरी अगर हम आपको देहबान में ला रहे हैं तो, मगर आप आया करो, बहुत अच्छा लगता है दीदी। और यहाँ बाबा माला को बोल रहे हैं, मतलब बाबा ने जो भी हमें गुण ज्ञान खजाने शक्तियां दिए हैं वो सभी बाबा माला के रूप में देख रहे हैं कि हर एक की गुणों की माला कितनी लंबी है, कितना सुंदर है, कितना गुणधारी हुआ है आत्मा, हर ज्ञान की पॉइंट को कितना धारण करके धारणा मूर्त हुआ है, उसकी धारणा की माला देख रहा है। मतलब बाबा ने जो भी शक्तियां, जो भी खजाने दिए हैं, समय, श्वास, संकल्प, उन सबको हमने कितना सफल किया है, उसकी सफलता का माला बाबा देख रहा है। तो बाबा जब जो भी खजाने दिए हैं वो जब हमने हार के रूप में सफल करके पहन लिया है, तो ये हार देख के माया हार जाती है। बाबा कितना प्यार से वर्ड का ट्यूनिंग किया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी बोलिए। ये दादी ने, गुलजार दादी ने बाबा बाबा के बाबा तन में आके सबको हार पहनाया। मुझे भी ऐसा महसूस हो गया, दादी मेरे को हार आज दे दी। का अच्छा, और किसी को क्या समझ में आई? ये बहुत अच्छा, इना बाबा ने सब ज्ञान गुण शक्तियों से हमें भर गया, हमें माला उनसे सजा दिया है ना। सो ये माला पहने तो माया आ ही नहीं सकती। और बाबा एक और बात भी कहा ना, हम सभी आत्माएं मणके बनकर बाबा के गले का हार बन गए है ना। ये मालाओं का यादगार हम शिवरात्रि पर सेलिब्रेट करते हैं, ये बात बाबा ने कही है ना, हम बाबा के गले का हार बन जाते हैं। हम पिछले वाले हैं दिलाराम। आगे वाले नहीं है, हम पिछले वाले दिलाराम बोले, पीछे बैठे थे ना वो दिलाराम है। ये बात पीछे बैठे थे भी बाबा का हृदय में, बाबा का सामने है, ठीक है। सो बाबा हमेशा यही बात कहते हैं ना, सो जो पीछे बैठे हैं, दूर बैठे हैं, वो सबसे नजदीक है, ठीक है, ऐसे नहीं है। अच्छा, और किसी को क्या समझ में आई? क्या दीदी? अच्छा, बाबा ने बोला कि हर एक बच्चा माला से ऐसे सज गया है जैसे यह माला इन्हों के गले में मन का है। फिर बाबा ने बोला कि हर एक के गले में माला चमक रही है,
जो आप खुद भी देख करके खुश रहे, मतलब हम ऐसे बाबा का गुण में सजे हुए हैं जैसे हम खुद को भी खुश लग रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, वैसे तो बाबा संगम पर माला पहनता नहीं है, लेकिन बाप बच्चों के साथ माला पहनता है। किसको माला नहीं भी होना, कोई मनका अगर खो गया ना तो वह अपनी माला का मनका लेके जरूर जाना। ओम शांति। और इस मुरली में जो प्रिंटिंग में थोड़ा मतलब अंतर है, फिर भी हमने काउंट किया, बाबा शब्द 39 टाइम्स, माला शब्द 101 टाइम्स मिला जो हमारी बुक में था। ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली जो है, मतलब हम ज्ञान में तब 9 महीने के थे और फर्स्ट टाइम अव्यक्त बाप दादा मिलन बनाने गए हुए थे। हमारा फर्स्ट टाइम था वही, मतलब बाबा 23 तारीख को आने वाले थे और नहीं आए, और 24 तारीख शिवरात्रि के दिन आए थे। तो मतलब उस समय का अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा। लेकिन ये मुरली में ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज मिस हो गई जब सुना रहे थे, क्योंकि जब हम वहां पर बैठे तो हमको बहुत सारा माला के लिए बहुत सुनने को आया था। काफी देर तक तो बाबा ने मुरली चलाई नहीं, खाली हाथ हिलाते रहे, हाथ हिलाते रहे, और सबको लग रहा था कि बस हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे। हमको पहले से बोल दिया गया था आज मुरली नहीं चलेगी, सिर्फ बाबा दृष्टि देकर चले जाएंगे, लेकिन वो हिलाते काफी देर हिलाते हुए बाबा ने मुरली चालू कर दी थी। तो तब हमको जब बाबा ने कहा दिव्य गुणों की माला, तो हम बस में बैठ के सबके दिव्य गुण क्या 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 होते हैं, हमको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि हम बहुत नए थे ज्ञान में। सिर्फ 3-4 महीना ही हमने मुरली पढ़नी चालू की थी, तो जब माला पहनाए तो हमको भी ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम भी कुछ माला पहने हैं बाबा की, और बाबा की पूरी दृष्टि अनुभव की थी उस समय। और आज भी जितने बार भी हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं या सभी को ग्रुप में भी करवाते हैं, तो सिर्फ सबको वही डायमंड हॉल में उठा के ले जाते हैं और इसी बाबा मिलन में बिठाते हैं, और जो उनसे सीट में हम बैठे थे वही सीट अनुभव करते। सीट तो थी नहीं सच बताए तो, क्योंकि हम लोग एक दिन लेट हो गया था, निकलना था, तो कुर्सी के पीछे बैठ के हमने दृष्टि लिया था, दरवाजा के सामने घुटना मोड़ के बैठा हुआ था। हमको याद है काफी देर तक हम घुटने मोड़ कर ही बैठे हुए थे वहां पर, क्योंकि हमको ट्रेन पकड़नी थी, हमको बस मुरली खत्म होते ही भागना था। तो मतलब माला, मतलब आज तक मुझे अनुभव है कि हाँ मैंने वो माला पहनी हुई है कैसे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा बोले, कुछ भी हो लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होती चाहिए, यह भी एक पुरुषार्थ है। स्थिति में स्थित होना अपने हाथ में है, इसे कहेंगे योगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, हाँ बाबा जी हमारे गुण खजाना भर दिया, हमारा माला रूपे पहना है, सबको माला देख हम सब खुश हुआ, माला देख माया नहीं आएगा, सबाई का गले में माला पहना सब खुश होना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि माला को देख करके हर एक के मन में आ रहा है माला में मेरा नाम तो है ना, सभी जो जो भी बैठे हैं सबका माला में नाम है, हाथ उठाओ, सभी को निश्चय है। अरे माला हमारे लिए ही बाबा ने बनाई है, तो सभी का चेहरा देखो कितना अच्छा सज रहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि गले में अगर हार पड़ा हो तो हार कभी हो नहीं सकती ऐसे बच्चों की, और माला है तो माया भी भाग जाती है। इसके बाद बाबा ने आज कहा कि बाबा से ये माला की गिफ्ट ले करके जाना। आज की गिफ्ट जो है वो माला है, हर एक अपने को ऐसा चमकता हुआ माला का मणका समझना। ओम शांति। जी सो बाबा, यह खाने के भाव ये है ना, हम विजय रत्न है, सफलता का हाँ माला हमारा गले में पड़ी हुई है ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है,
सो बाबा हमें ये याद दिला रही है ना, सफलता मूर्त हो आप। सो माया भी क्या है, कितना भी आवे लेकिन वो हार जाकर जाना है, ठीक है। सो ये ऐसे मुझे लगा। सो मना हम सदा सफलता मूर्त है, विजयी रत्न है, बाबा का गले का हार है। सो ये ड्रामा का जो पॉइंट है, मना ये फिक्स्ड है कल्प कल्प के लिए, ऐसे मुझे लगा। अच्छा ओम शांति दीदी, यहाँ पर जो बाबा ने बोला कि बाबा को कितनी खुशी हो रही है एक एक बच्चे को देख करके, बाप भी ऐसे मुस्कराता है। जो आप देख रहे हो यह रियल फूलों का हार तो है ही, लेकिन बाबा ने हर एक के गले में ओरिजिनल माला कौन सी पहनाई, तो चमकती हुई मालाओं का हार सबके गले में पड़ा है। फूलों से कितना भी चाहे श्रृंगार करे या नहीं, लेकिन सबके मुख से वाह वाह तो निकल रहा है। तो ये हर आत्मा का जो ओरिजिनल बाबा ने माला का हार पहना है, तो यहाँ पर संस्कारों को ही हमें देखना है कि हमारे गले में वो संस्कार आया कि नहीं आया। जैसे बताया कि 38 गुण 36 गुण, तो उन गुणों में से मैंने कौन सी माला धारण की है। तो बाबा भी वही देखना चाह रहा कि मेरा हर एक बच्चे में कौन सी कमी कमजोरी है, और कौन सी इस कमी कमजोरी को खत्म करने के बाद कौन सी गुणों की माला मेरा बच्चा धारण करता है। तो बाबा बोलते हैं कॉमन हार तो पहनते हैं, लेकिन कॉमन बात है, लेकिन इस माला का मतलब अच्छा है, बढ़िया है, ये माला यादगार माला है। तो यहाँ पर भी हमारे जो गले बाबा ने बताया कि माला से सजा, तो ये भी हमारी यादगार है। तो इसमें 36 गुण तो बाबा के वैसे भी जो है, 36 गुणों में से हमें एक गुण भी अगर हम धारण करें तब भी हम बाबा के इन महावाक्यों पे खरे उतर सकते हैं। क्योंकि बाबा का हर एक बच्चा, चाहे वो लेट चाहे वो जल्दी चाहे कुछ, लेकिन बाबा को वो सब माला से सजे हुए दिखाई दे रहे थे। तो हमें भी ये वाह वाह का बहुत अच्छा लगा, और बाबाओं की इस माला में सजना और ये फंक्शन जो बाबा ने बताया, और सब तो सभी ने ये माला भी पहनी और चमकती हुई माला का आज विशेष गिफ्ट भी हमें बाबा ने हमें भी दिया, और हमें भी बाबा के लिए ये गिफ्ट देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे, तो बाबा ने आज हार साकार मुरली द्वारा भी हम सभी को पहनाया है। ओम शांति। ओम शांति दादी दीदी। हाँ जी बोलिए। ये माला सुदर्शन चक्रधारी का माला है ना? जी, सुदर्शन चक्र का भी हम अनुभव कर सकते हैं, सोमान का भी हो, विजय का भी हो, ठीक है, सुगुणों का भी हो, शक्तियों का भी हो ना, ये सब बाबा वही कहा ना, माला माना क्या है, श्रृंगार। सो श्रृंगार कैसे करते बाबा हम, हमारा है ना, ज्ञान गुण शक्ति उनसे, वरदान उनसे है ना, सो ये सब, सो वही बाबा कहा आपका गले में हार पड़ी हुई है, उसको साक्षी होकर देखे ना कितना चमक रही है। माना हम बाबा का गुण शक्ति ज्ञान को हम कितना धारण किया हुआ है वो देखने के लिए बाबा ने कहा है ना। सो सत्युग में जाना है हमें, सो वहां यहाँ हम विजयी बनना है माया से। सो हम कितना शक्तिशाली बनाए, हमारा आत्मा में कितना शक्ति हम धारण किया हुआ है उसका चमक देखने के लिए बाबा ने कहा है ना। बाबा का दृष्टि में सभी का गले में हार है ना, चमक रही है, लेकिन कितना चमक रही है वो खुद देखने के लिए बाबा ने कहा है। सभी मालाधारी बच्चे। अच्छा दीदी, बाबा ने तो हमको बिंदु रूप में चमक दिया है, लाल बिंदु दिया है, हमारा तो सत्युग आरंभ हो चुका है। मैं मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ, बाकी का नहीं।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। सो आपकी सोच, आपके हर कर्म है ना, दृष्टि दृष्टिकोण सब सतयुग जैसा है। तो अभी आपको सतयुग हुआ होंगे है ना। सो सतयुग माना क्या है? संपूर्ण पवित्रता है ना, वो हम धारण किया हुआ हो तो हमको ऐसा लगेगा। सो आई थिंक हमारे लिए तो और भी थोड़ा पुरुषार्थ करना है, उतना तक हम नहीं आए हैं। सो आप आए हुए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो आज सारे दिन में हम गले में फिजिकली हार पड़ा हुआ है वो देखिए, और परमधाम में भी बाबा का गले का हार बन चुकी है ना। और सतयुग में भी हम हार पहन के बैठे हैं, यह अनुभव करेंगे हम है ना। अभी विजयी है और फिर बाद में भी सतयुग में भी हम विजयी माला का मणिके है, ठीक है, ये अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। रीमा सिस्टर, आप हमें योग कराएंगे? जी दीदी, होमवर्क आपने बहुत अच्छा दिया, तो हम सभी इसकी आज अभ्यास करेंगे और योग के लिए सभी आत्मिक स्थिति में अपने आप को स्थित करें। आज अमृत वेला के वरदानी समय में मैं आत्मा आत्मिक भाव तथा शुभ भावना संपन्न होकर बैठी हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है जैसे एक तेज प्रकाश मुझे अपने ऊपर आता हुआ देख रही हूँ। महाज्योति शिव बाबा को, जिनसे निकल रही प्रकाश की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मैं देह के भान से मुक्त स्वयं को एकदम हल्का अनुभव कर रही हूँ। मेरे संकल्प बोल व कर्म शुद्ध श्रेष्ठ व समर्थ हैं। हम दैवी संस्कृति दैवी कुल वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमें स्वयं ईश्वर ने दिव्य ज्ञान गुण तथा शक्तियों से सजाया है। हमें विश्व ड्रामा में सर्वोत्तम पार्ट देकर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, ऐसा फील करें बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर प्रकाश की तरह बहुत तीव्र गति से मुझ में समाती जा रही हैं। ऐसा फील हो रहा है बाबा कह रहे हैं, बच्चे तो मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया जो भाई जी ने स्क्रीन शेयर किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज ये 2016-17 की बुक जो अव्यक्तवाणी की ये नहीं थी हमारे पास, तो शुक्रिया सभी टीम बोर्ड मेंबर्स का शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा से आपने मुरली भी प्रयोग भी कराया, आपने सभी अनुभव किया है ना, हमारा गले में हार पड़ा हुआ है ना, हम वहां है कहा डायमंड हॉल में, उस टाइम हम उपस्थित है, ऐसे अनुभव हुआ। थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति बाबा।